तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख लो, आपको एक और यहाँ पर फ़ोन दिख रहा है लावा का। गाइस इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसकी जो डिस्प्ले है गाइस यहाँ पर डैमेज है, पूरी ख़राब है डिस्प्ले। और यहाँ पर गाइस देखो, मेरे पास यहाँ पर तीन चार डिस्प्ले दिख रही। पहले तो मैं यहाँ पर आपको ये सेट को ऑन करके दिखा देता हूँ इसकी डिस्प्ले कैसे है, और फिर मैं आपको बताऊँगा आप लोग किसी भी फ़ोन की डिस्प्ले को कैसे चेंज करोगे। यहाँ पर मैं देखो सेट को ऑन करता हूँ। देखो गाइस यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा इसकी डिस्प्ले पूरी डैमेज है, आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, देख सकते हो। देखो यहाँ पर वाइट वाइट आ रहा है, इसका मतलब इसकी डिस्प्ले ख़राब है। और गाइस यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ मुझे डिस्प्ले कितने की पड़ी है मार्केट से, जो मैं ख़रीद के लाया हूँ। देखो दिखाते हैं, देखो गाइस यहाँ पर आपको तीन डिस्प्ले दिख रहे हैं। यहाँ पर देखो तीन मुझे डिस्प्ले ये 110 रुपये की एक पड़ी है, 110 रुपये की एक डिस्प्ले मुझे मिली है, आप लोग समझ सकते हो। और आप लोग कैसे मोबाइल फ़ोन पे डिस्प्ले चेंज करोगे इस वीडियो में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अब इन्हें मैं बाहर रख देता हूँ, एक डिस्प्ले बस ले लेता हूँ, क्योंकि इसी डिस्प्ले को इस फ़ोन पर मैं लगाऊँगा और ये दो डिस्प्ले को मैं बाहर रख देता हूँ। और गाइस हम लोग सोल्डिंग आयरन से करने वाले हैं, और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोग अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कमेंट जरूर कर देना। चलो फटाफट मैं सेट को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को सिम सब कुछ निकाल लेना और इसे आप लोग दूर रख देना। अब यहाँ पर मैं सेट को भी ओपन कर लेता हूँ, इस प्रकार नाखून की मदद से मैं इसे खोल लेता हूँ इस प्रकार। देखो गाइस ये ओपन हो चुका है, और यहाँ पर हम लोग इसका कवर ऐसे करके जो पीछे लगा होता है ऐसे करके निकालेंगे। अब यहाँ पर आप लोग सोल्डिंग आयरन उठाना, और सोल्डिंग आयरन को आप लोग ज़्यादा हीट कर लेना, ठीक है, ज़्यादा गर्म होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको पेस्ट लगाना, चलो यहाँ पर मैं जूम कर देता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह दिखे। यहाँ पर आप लोग देखो ये जितने आपको पॉइंट दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको पेस्ट लगाना है, ज़्यादा पेस्ट लगाना है, क्योंकि देखो यहाँ के प्रिंट उखड़ना नहीं चाहिए। मैं आपको वही तरीका बताऊँगा आप लोग कैसे निकालोगे सोल्डिंग आयरन की मदद से। तो यहाँ पर देखो मैं पेस्ट लगाने जा रहा हूँ, पहला काम है आपको यहाँ पर देखो ऐसे करके पेस्ट लगा लेना, ज़्यादा ज़्यादा हो सके आप लोग ऐसे करके पेस्ट लगा लेना। पेस्ट लगा लेने के बाद आपको अपनी जो सोल्डिंग आयरन रहेगी, कहिया रहेगी गैस, आप लोग उसे ज़्यादा हीट कर लेना, गर्म होना चाहिए। यहाँ पर चलो मैं गर्म कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ आप लोग क्या करोगे। यहाँ पर देखो जो मैं सोल्डिंग आयरन यूज़ कर रहा हूँ ये 25 वाट की है, तो यहाँ पर देखो ये मेरी सोल्डिंग आयरन गर्म हो चुकी है, अभी कम गर्म है गाइस। इसे आपको ज़्यादा गर्म कर लेना है, तभी आप लोग अच्छी तरह से यहाँ से डिस्प्ले को उखाड़ पाओगे। या आप लोगों की सोल्डिंग आयरन ज़्यादा गर्म नहीं होगी, आप लोग उखाड़ने की कोशिश करोगे, यहाँ डिस्प्ले के जो प्रिंट होते हैं उखड़ जाएंगे, आप लोग समझ सकते हो। चलो इसे हम लोग हीट कर लेते हैं अच्छी तरह से, फिर हम लोग इसी सोल्डिंग आयरन की मदद से डिस्प्ले को बाहर करेंगे। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देखो लगभग ये गर्म हो चुकी है, और यहाँ पर मैं रंगा लगा लेता हूँ इस प्रकार, आप लोग रंगा लगा लेना। और यहाँ पर आप लोगों को डिस्प्ले देखो इस प्रकार, ये देखो यहाँ पर ये लाइट वाला पत्ता है इसका टूटा हुआ, ये तो ख़राब है, इसे हम लोग बाहर कर देते हैं ऐसे करके। अब यहाँ पर देखो ये जो आपके डिस्प्ले रहेगी इसे आपको ऐसे करके उठा लेना, और यहाँ पर किनारे से आपको सोल्डिंग आयरन ऐसे लगाना, देखो ऐसे करके। गाइस आपको इस प्रकार पकड़ना डिस्प्ले जैसे मैं कर रहा हूँ, देखो इस प्रकार बड़ी ही आसानी के साथ आप लोग मदरबोर्ड से डिस्प्ले को बाहर कर लोगे। देखो गाइस कितनी आसानी की तरह से यहाँ पर हमारी डिस्प्ले मदरबोर्ड से बाहर आ चुकी है, और यहाँ पर गाइस देखो कोई भी प्रिंट यहाँ पर मिस नहीं है, आप लोग समझ सकते हो। इस प्रकार आप लोग डिस्प्ले को उखाड़ सकते हो और लगा भी सकते हो, अभी मैं आपको लगाने का तरीका भी बताऊँगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या होगा, फिर से आपको पेस्ट उठाना, देखो पेस्ट उठाना और यहाँ पर आपको लगा देना ऐसे करके, लगा देना। और यहाँ देखो जो ये रंगा लग चुका है ज़्यादा, आपको इसे ऐसे करके हटा देना, देखो ऐसे करके ये हट जाएगा बड़ी आसानी के साथ। देखो यहाँ पर ऐसे करके आपको हटा देना, ठीक है, यहाँ पर सारे पॉइंट को आपको क्लीन कर देना ऐसे करके, देखो ऐसे करके। देखो गाइस यहाँ पर सारे पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहे हैं, और यहाँ पर देखो कोई भी हमारा प्रिंट यहाँ पर डैमेज नहीं हुआ।
अब यहाँ पर न्यू आपको डिस्प्ले लेना है। और गाइस यहाँ पर देखो ये जो डिस्प्ले आपकी न्यू रहेगी गाइस, यहाँ पर आपको पेस्ट लगाकर यहाँ पर आपको सोल्डिंग कर देना, मतलब थोड़ा यहाँ पर आपको रंगा लगा लेना। चलो यहाँ पर मैं पेस्ट लगा लेता हूँ पहले मैं डिस्प्ले पे। मैं आपको डिस्प्ले लगाने का निकालने का बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ। देखो आपको इस प्रकार पूरी डिस्प्ले के जो यहाँ पर पॉइंट दिख रहे हैं, तो आपको इस प्रकार यहाँ पर पेस्ट लगा लेना और थोड़ा आपको रंगा लेना है, सोल्डिंग आयरन में रंगा थोड़ा लगा लेना। और ऐसे करके यहाँ पर देखो जितने आपको पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ पर आपको ऐसे करके देखो सारे पॉइंट पे ऐसे करके रंगा लगा लेना। ऐसे करके देखो यहाँ पर भी हम लोग कर लेते हैं, इस साइड भी कर लेते हैं ऐसे करके, ऐसे करके। गाइस यहाँ पर देख सकते हो सारे पॉइंट पे यहाँ पर रंगा लग चुका है। अब यहाँ पर आपको करना क्या होगा, फिर से आपको यहाँ पर पेस्ट लगाना। देखो यहाँ पर मैं पेस्ट लगा लेता हूँ ऐसे करके, ये मदरबोर्ड के जो पॉइंट यहाँ पर दिख रहे हैं डिस्प्ले वाले, इस पर मैंने पेस्ट लगा लिया। अब यहाँ पर आपको उसी प्रकार देखो डिस्प्ले को रखना है जैसे लगी थी, ऐसे करके लगी थी। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करके लगी थी। यहाँ पर देखो ये ऐसे करके लगी थी और यहाँ पर सारे पॉइंट को आपको मिला लेना। देखो ऐसे करके आपको मिला लेना, आप लोगों को अच्छी तरह दिखे। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, देखो ऐसे करके आपको बराबर कर लेना है देखो सारे पॉइंट को ऐसे करके। यहाँ पर देखो मेरे सारे पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं। अब यहाँ पर आपको सोल्डिंग आयरन उठाना और इस प्रकार आपको यहाँ पर कर देना देखो ऐसे करके। गैस कोई भी पॉइंट यहाँ पे टच नहीं होगा पेस्ट लगाने से, ये मैं कह रहा हूँ। देखो यहाँ पर कितनी आसानी के साथ यहाँ पर इतना पॉइंट हमारा सोल्ड हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग आगे के भी पॉइंट यहाँ पर सोल्ड कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्रॉपर तरह से हमारी यहाँ पर डिस्प्ले लग चुकी है और कोई भी पॉइंट आपस में शॉर्ट नहीं है, टच नहीं है। तो इस प्रकार आप लोग डिस्प्ले को लगा सकते हो, निकाल सकते हो, अपने मोबाइल फ़ोन से देख सकते हो यहाँ पर लग चुकी है। अब गाइस यहाँ पर बारी आती है इसकी टेस्टिंग की। चलो यहाँ पर हम लोग इसे उसी प्रकार लगा देते हैं ऐसे करके जो कवर लगा हुआ था। और गाइस हो सके तो आप लोग यहाँ पर पेट्रोल से साफ़ भी कर सकते हो, मैं नहीं साफ़ करूँगा, आप लोग साफ़ करना चाहते हो तो कर भी सकते हो। और यहाँ पर हम लोग उसी प्रकार कर देते हैं और देखते हैं हमारी डिस्प्ले सही तरह से वर्क कर रही है या नहीं, डिस्प्ले पे लाइट आ रही है या नहीं आ रही। तो यहाँ पर चलो मैं बैटरी लगाता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से दिखे। तो यहाँ पर देखो मैंने बैटरी लगा दिया है। अब यहाँ पर मैं सेट को ऑन करता हूँ, ठीक है, ऑन करते हैं। देखो गाइस अभी डिस्प्ले यहाँ पर आपको व्हाइट दिख रही है, इसमें देखो अभी कोई भी लाइट नहीं आ रही, व्हाइट इसलिए आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग फिर से पेस्ट लगाएंगे, यहाँ पर पेस्ट लगाएंगे और सारे पॉइंट पे हम लोग अच्छी तरह से यहाँ पर फिर से सोल्ड करेंगे। जैसे व्हाइट आ रही तो आपको वही करना है, यहाँ पर पेस्ट लगाना है और यहाँ पर आपको सोल्डिंग आयरन की मदद से फिर से यहाँ पर सोल्ड करना है। चलो यहाँ पर मैं फिर से करता हूँ, ठीक है, क्योंकि व्हाइट आ रही है इसे, और इसे मैं पूरा बाहर कर देता हूँ ऐसे करके। और यहाँ पर मैं पेस्ट लगाता हूँ ऐसे करके, हम लोग पेस्ट लगाएंगे। और गाइस यहाँ पर हम लोग रंगा थोड़ा लगाएंगे सोल्डिंग आयरन में और फिर से हम लोग यहाँ पर सोल्ड करेंगे। क्योंकि गाइस कभी कभी ऐसा होता है जो यहाँ डिस्प्ले के पॉइंट होते हैं अच्छी तरह से यहाँ पर नहीं सोल्ड हो पाते, इस कारण यहाँ पर व्हाइट आती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था अब चेक कर लेते हैं यहाँ पर। देखो अब मैं लगा रहा हूँ फिर से दोबारा से डिस्प्ले को। तो गाइस यहाँ पर देखो लगभग यहाँ पर डिस्प्ले के पॉइंट अब अच्छी तरह से मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पर चलो मैं क्लीन कर लेता हूँ पेट्रोल की मदद से, यहाँ पर मैं साफ़ कर लेता हूँ और भी अच्छी तरह से आप लोगों को दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं पेट्रोल की मदद से डिस्प्ले के पॉइंट को क्लीन कर लेता हूँ। गाइस यहाँ पर आप लोग देखो ये है ब्रूश मंजन करने वाली गाइस, इसमें मैंने पेट्रोल लगा लिया और यहाँ पर मैं इसे क्लीन कर देता हूँ ऐसे करके। देखो गाइस यहाँ पर मैं देख लेता हूँ अच्छी तरह से कोई पॉइंट बचा तो नहीं यहाँ पर सोल्ड करने के लिए। गाइस यहाँ पर लगभग सारे पॉइंट अच्छी तरह से जुड़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग फिर से डिस्प्ले को उसी प्रकार कर लेते हैं और सेट को ऑन करके देखते हैं यहाँ पर ऑन हो रहा है या नहीं। यहाँ पर मैं डिस्प्ले को उसी प्रकार कर लेता हूँ और यहाँ पर हम लोग बैटरी लगाते हैं, बैटरी तो हमारी लगी है, ठीक है गाइस। यहाँ पर हम लोग एक बार बाहर कर देंगे बैटरी को और फिर से हम लोग
बैटरी लगाएंगे और सेट को ऑन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं डिस्प्ले पे लाइट आ रही है या नहीं। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आपके सामने यहाँ पर देखो डिस्प्ले पे लाइट आ चुकी है। ये समस्या आप लोगों के साथ आ रही है, डिस्प्ले इसकी व्हाइट हो जा रही है, कुछ भी हो जा रहा, तो आप लोग इस प्रकार उसे सही कर सकते हो। यहाँ पर देखो हम लोगों ने न्यू डिस्प्ले लगा लिया और डिस्प्ले पे पूरी लाइट आ चुकी है। इसकी भी बैटरी डेड है गाइस, आप लोग समझ सकते हो। देखो यहाँ पर लावा लीक के आ रहा, इसकी भी बैटरी डेड है, देखो यहाँ पर। और गाइस यहाँ पर जो आपको ये पानी जैसा दिख रहा है, यहाँ पर पेट्रोल गया, अभी मैं पेट्रोल से साफ़ किया हूँ ना गाइस, ये सही हो जाएगा तुरंत, पेट्रोल कुछ भी दिक्कत नहीं करता है। तो इस प्रकार आप लोग डिस्प्ले को लगा सकते हो, चेंज कर सकते हो। मैंने आपको सब कुछ करके दिखाया, लाइव दिखाया है, व्हाइट आ रहा है, तो आप लोग इस प्रकार सही कर सकते हो। मान लो आप लोगों की पुरानी डिस्प्ले लगी है, वो व्हाइट आ रही, तो आप लोग व्हाइट डिस्प्ले भी इस प्रकार सही कर सकते हो। तो गाइस आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और आप लोग अपना ख्याल रखना।